हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल बज चुकी है 9 और अब जाके उठाऊ मैं। फिलहाल देखते क्या करना। और हाँ, आज कल वाला ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ था, तो अभी जस्ट अपलोड करने बैठा हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्या यहाँ पे इंटरनेट की दिक्कत है, तो उसकी वजह से अपलोड नहीं हुआ है। तो साइज सॉरी, आज पूरी 9 बज चुकी है, 9:30 बजे फिक्स ब्लॉग आ जाएगा। मैंने अपलोड लगा दिया है पूरा वापस, तो अब देखते कितना और टाइम लगता है। फिलहाल अब देखते नहाते धोते, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस, फिलहाल बस नहा धो के रेडी हो चुके हैं और फिलहाल बज चुके 12:15 और घर पे कोई नहीं है। मासी भी गई है बाहर, मासी की तो जॉब है टीचर की, आपको बताया था मैंने, वहाँ पे गई है। नानी अपने पत्रिका बांटने गई है किसी के साथ, और मैं भी अब कुछ काम करने जाऊँगा। पहले नानी आया और मौसी कोई आ जाए तो। और फिलहाल हाँ, मैं चाय बना रहा था। और गाइस, मैं 2 मिनट उधर मैं नहा कह रहा था, टावल सुखाने गया तो पहले का हाल क्या हो गया, पूरी खाली खाली हो गई। पहले तो पॉपट हुआ, दूध उठना, और यहाँ पर थोड़ा टूल भी है, यहाँ पर टूला है और फिर नीचे भी थोड़ा टूला हुआ है वहाँ पर। फिर मैंने चाय बनाई तो फिर तब पहले को पता नहीं क्या हो गया, पूरी खाली खाली हो चुकी है। गारंटी कह रहा हूँ, नानी आने के बाद, नानी जब आएगी मुझे बहुत डांट डांटेगी। और ये भी ठीक था, मैं अदरक इसमें किया और उसमें अदरक पूरी अदरक ही गिर गई जगह। इतना पोपट किसी का हुआ चाय बनाते बनाते भाई साहब, यार क्या होगा इसका, देखते अब क्या करना है। इस अदरक का भी चाहिए, अदरक तो क्या हो गया, चाय की अदरक बन चुकी है। तो सुबह फिलहाल जा रहा हूँ मैं अभी बाजार कुछ काम से, तो आज आप दिखाता हूँ मैं आज आपको यहाँ का मार्केट। भाई साहब, भाई भाई यार, बाजार में क्यों लाते हैं, ये मेन बाजार है यहाँ का बाजार। बस ये वाला बहुत छोटा बाजार है, बहुत और पर मेन तक पहुँचे यहाँ पर। ये पूरा बाजार है यहाँ का। Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful. इस फिलहाल मैं आया पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे दो चीज पोस्ट करवानी है, मतलब नानी को तो करते, बाकी चलते फिर। फिलहाल पोस्ट कर दिए और अब थोड़ा पीते हैं मौसमी का जूस। यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक वाला मिलता है, यहाँ पे कोई मिलावट वाला नहीं, डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट, इसमें ना शक्कर मिलती है ना नमक, कोई सीधा डायरेक्ट, वो बहुत टेस्ट लगता है, थोड़ा कड़वा लगता है पर शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिलहाल पीते हैं। भाई देखो कितनी मौज जगह है यार, क्या खेत और सीधा रेलवे स्टेशन। भाई साहब, और हमारा घर भाई इसके पीछे ही है जस्ट, कितनी मस्त लग रहा है यार। थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, हमारा घर तो बस यहीं पास में ही है, बस यहाँ से थोड़ा राइड लेके थोड़ा सा चल के और ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ये वाला यही है। फिलहाल मैं और मस्ती जा रहा, अभी कंकू पत्री बांटने, इतनी कुछ बची है अभी तो, ये तो भरी भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये भाई साहब इतनी कम से कम मेरे हिसाब से बाटी भी नहीं है अभी तक, स्टार्ट भी नहीं है। फिलहाल फोन आ रहा है, मासी फोन आ रहा है, तो बस चलते हैं अभी। बस फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, हम सभी किसी यहाँ पे हमारे रिलेटिव की एनिवर्सरी है, तो उन्होंने आज मतलब ऑर्गेनाइज करी एक होटल में, क्योंकि बहुत तकड़ी होटल है, वहाँ चल रहे हैं, तो बस वहाँ जाके ब्लॉग तो नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे एम्बेरेसिंग लगता है सबको, और मुझे आदत भी नहीं है, मुझे भी थोड़ी शर्म आती है सबके सामने ब्लॉग करने में। तो फिलहाल मैं रेडी हो गया, तो बस ये पहले डेनिम जैकेट डाल दिया और फिलहाल बस ये है, ब्लैक टी शर्ट है और एक पेंट है, बस अब चलते हैं ना। फिलहाल अभी हम जाने का टाइम हो गया था, और नानी ये क्या बना रहे हो, हल्दी, इतनी रात टाइम हो रहा है 7 और अब पी रहे हो चाय, हल्दी का अचार बना रही था नानी, मेरे को तो बहुत ही सुगला लगता है। तो गाइस फिलहाल बज चुकी 10, अब जाके सब अभी तो 9:30 बजे हम आए थे और सब सो चुके, क्योंकि सब थक चुके हैं वहाँ से आके,
वहाँ पर मेरा रिलेटिव्स की थी एनिवर्सरी, मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, मुझे एडिटिंग भी करनी है, सब काम भी करना है, थोड़ा मुझे काम भी है मोबाइल से, तो करते सबसे पहले फिर एडिटिंग करेंगे। आज नींद बहुत तेज, जो फिर कल वापिस जाऊँगा वापिस अपने निम्बाड़ा, कल जाऊँगा फिर वापिस परसों, मैं आपको सारा प्लान कल ही बताऊँगा क्या रहेगा, क्यों वापिस मुझे कल नहीं, मतलब एक को वापिस आऊँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि अब शादी ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं रहा, एक दो को सारे मेहमान आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो एक को वापिस आने पड़ेगा, मैं वापिस ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने ड्रेसेस लानी सारी जमानी उसकी, मतलब बैग जमाना है, और फिर परसों मुझे चित्तौड़ में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, क्या काम इंपॉर्टेंट काम है परसों ही बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल भी देखते हैं एडिटिंग वेडिटिंग करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.